इसराइल और हमास के बीच जारी जंग अब नेतन्याहू के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस तेजी से इसराइल हमास को नुकसान पहुंचा रहा है उसी तेजी से उसके प्रतिरोधी गुट इजरायली इलाकों को दहलाकर फिर से इजरायली बलों को उसी जगह पर खड़ा कर देते हैं। इजरायली बलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुल्ला बना हुआ है, जो लगातार अपने हमलों से उत्तरी इसराइल में तबाही फैला रहा है। हिजबुल्ला ने अपने घातक हमलों से इसराइल को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि उसकी कमर टूट गई है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल शांत है। IDF भी जमकर हिजबुल्ला पर हमलावर है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हिजबुल्ला जंग के मैदान में डटा हुआ है और हर रोज इसराइल पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर बदले की कार्रवाई करते हुए इजरायली फोर्स पर आत्मघाती ड्रोन से मतला साइट पर सीधा हमला किया, जिसमें कई जवान घायल हुए। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने जबल नधार में IOF पर रॉकेट से सीधा हमला किया और इससे पहले बारम फॉरेस्ट में IOF के एक गुट को भी निशाना बनाया। यही नहीं, हिजबुल्ला ने कब्जे वाले लेबनान के शेबा फार्म में जेबदीन साइट को रॉकेट से निशाना बनाकर सीधे हमला किया और प्रतिरोध ने कब्जे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स में रामथा साइट को रॉकेट से निशाना बनाया। अल मयादीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से कब्जे वाले शेबा फार्म और कफार चौबा हिल्स में इजरायली ठिकानों पर सीधी गोलीबारी की गई, जिसमें इजरायली बलों के कई जवान घायल हुए। और इसके जवाब में इजरायल ने भी ड्रोन से हमला किया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि लेबनान से मेटुला बस्ती की ओर दो रॉकेट दागे गए, जिसमें भीषण तबाही हुई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली ड्रोन एडियाशे शहर और उसके आसपास के इलाकों में कैसे घातक विस्फोटक बरसा रहा है, जिससे इलाके में आग लग जाती है और तबाही का मंजर दिखता है। इसके साथ ही इजरायली हमलों में दक्षिणी लेबनान के कई गांवों पर तोप के गोले, फॉस्फोरस बम और मशीन गन से गोलीबारी भी की गई, जिसमें तोपखाने की गोलाबारी कफार किला और एता अल शाब के शहरों के बाहरी इलाकों तक नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिजबुल्ला के हमलों में कमी नहीं आई। हिजबुल्ला जंगी मैदान में उसी जज्बे के साथ इजरायली बलों और इलाकों पर हमले करना जारी रख रहा है। इसी कड़ी में इजरायली सैन्य संचालन प्रभाग के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड मेजर जनरल इजरायल जीव ने हिजबुल्ला की तारीफ और सपोर्ट में बड़ा बयान दिया है। इजरायली मीडिया चैनल 12 को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमास के साथ युद्ध के एक साल के करीब पहुंच रहा है, फिर भी हम निर्णायक रूप से लड़ाई जीतने में असमर्थ हैं। भले ही हमास हिजबुल्ला की तुलना में कमजोर प्रतिद्वंदी है, लेकिन हिजबुल्ला ने हार नहीं मानी है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने इसराइल को एक साल में मानो अपंग कर दिया है। इसके साथ ही जीव ने कहा कि इसराइल अभी भी ईरान के खतरे से बाहर नहीं आया है। जीव ने इस युद्ध को लेकर समझौते की बात भी कही और सुझाव दिया कि इस युद्ध को समझौते के तहत ही रोका जा सकता है। समझौते से ही गाजा में और इसराइल में शांति लाई जा सकती है।